फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर डायरीज। सो आज का जो ब्लॉग है, आज मैं रिव्यू करूंगा बैसोहॉलिक इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो जो मैंने 2 महीने पहले एक एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम खरीदा था और उसकी इंस्टॉलेशन वीडियो भी बनाई थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो यहाँ कोने में एक आइकन होगा, उसको क्लिक करो और वहाँ पर लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच उस वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए। मुझ पे इतने कमेंट्स आए, देखो ये है कमेंट, ये है कमेंट, ये है कमेंट, ये कमेंट, तो इतने कमेंट आए तो यार मेरा दिल एकदम खुश हो गया और मेरे दिल से ये निकला, देख रहा है ना विनोद हमारी वीडियो पे कितने कमेंट आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, सबसे पहले हाथ जोड़ के थैंक यू, और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें। सो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि डिटेल रिव्यू दूंगा, क्योंकि अभी मैंने 2 मंथ यूज़ कर चुका हूँ, तो उसका एक डिटेल रिव्यू करूँगा कि ये आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो इसमें मैं पॉजिटिव बातें भी रखूँगा, नेगेटिव बातें भी रखूँगा, और कुछ जो हिडन फीचर्स हैं और जो मेन फीचर्स हैं वो आपको दिखाऊँगा, जिससे कि आपको ईजिली आप एक डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है क्या नहीं लेना है। इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने ख़रीदा था तो उसके जितने भी फीचर्स हैं वो इधर मैं आपको शो कर दूंगा, तो आप एक बार वो सारे फीचर्स भी देख सकते हैं। और इसमें एक्चुअली क्या था, जब मैंने इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया था तो बहुत सारे डाउट्स आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की, और जितने भी मतलब फीचर्स हैं, जो हिडन फीचर्स हैं, जो भी कुछ डाउट्स थे रैम को लेके और स्टोरेज को लेके और रेडियो एफएम वगैरह को लेके, तो वो सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और सारे फीचर्स दिखाऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए रिव्यू करते हैं अपना वैसोहॉलिक का इंफोटेनमेंट सिस्टम का। सो इस रिव्यू में मैं 2 पार्ट में इसे डिवाइड करूँगा। सो 2 चीज़ें आपको बताऊँगा, जैसे एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट सुनकर या देखकर आप डिसाइड करना कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका पॉजिटिव बातें बता देता हूँ। सो अभी मैं इस म्यूज़िक सिस्टम को लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आप इसके पॉजिटिव पॉइंट आपको बताता हूँ। सो पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी स्क्रीन, आप उसको डिस्प्ले कह सकते हैं। तो इसकी जो स्क्रीन है वो सबसे बड़ी हाईलाइट है। ये 9 इंच की फुल HD IPS स्क्रीन है, जिसमें जो कलर है वो काफ़ी पंची दिखते हैं और जो दिन में भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब 7,000 रुपये के अंदर आपको 9 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल रही है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड है प्राइस। सो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आज मार्केट में अगर आपका 6 इंच का मोबाइल की डिस्प्ले टूट जाती है तो उसकी कॉस्ट 5,000 से ज़्यादा आती है, और ये 6,500 रुपये में आपको पूरा म्यूज़िक सिस्टम दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सो तीसरा है आपका इनबिल्ट GPS और माइक। सो इसके साथ आपको इनबिल्ट माइक और GPS भी मिलता है। सो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है ऑल कंट्रोल सपोर्टेड। सो ये सभी कार के फीचर्स को सपोर्ट करता है और यूनिवर्सल डिज़ाइन के साथ आता है, जैसे कि आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, स्टेयरिंग के जो कंट्रोल्स होते हैं उनका सपोर्ट मिल जाता है, बैक कैमरा भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और वो एक सीमलेस सपोर्ट करता है। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट पॉजिटिव है कि एंड्रॉयड OS, तो एंड्रॉयड OS के साथ आता है, और तो आप एंड्रॉयड के सारे फीचर और एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैप, यूट्यूब प्राइम, स्पॉटिफाई गाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए एंड्रॉयड की, जो एंड्रॉयड पे अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और तो ये सारी जो लिस्ट थी वो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स की रही। तो अभी मैं बताता हूँ इसकी नेगेटिव बातें। सो नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे ऊपर आता है, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है स्लो। सो ये काफ़ी स्लो है। सो स्लो इसलिए है, जो मेन रीज़न है स्लो होने का, कि ये इसमें जो रैम आती है वो 2GB रैम है। सो 2GB रैम में आप डिसाइड कर सकते हो कि यार अभी हम 8GB 16GB वाले मोबाइल चला रहे हैं, तो अगर आप कोई भी ऐसा डिवाइस चलाएंगे जो 2GB का है वो थोड़ा आपको स्लो लगेगा। सो कुछ एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क करती है, कुछ एप्लीकेशन थोड़ा टाइम लेती है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अच्छी गाड़ी है आपकी, अगर बड़ी गाड़ी है और तो अपना बजट 1-2 हज़ार रुपये बढ़ा के 4GB वाला वर्जन ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। बट ये भी 2GB वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। तो ये एक पहला नेगेटिव पॉइंट था
तो सेकंड नेगेटिव पॉइंट है कि यार ये जो ब्रांड है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, तो मे बी आपको आफ्टर सेल सर्विस लाइक अगर आपके में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, कुछ बिगड़ जाता है या कुछ रिपेयर कराना जाते हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है या पार्ट्स वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये ब्रांड ऐसा नॉन ब्रांड नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है सैमसंग या वन प्लस की तरह। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो बाकी नेगेटिव पॉइंट्स तो कुछ नहीं है यार, मैंने पिछले 2-3 महीने से चला रहा हूँ, कोई ऐसे खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जो दो नेगेटिव मेन नेगेटिव पॉइंट थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सो आप देखो कि यार कौन सा बेटर है, दोनों आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी पता है, अभी पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखा है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो कि ये आपके लिए बेटर है कि नहीं। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मी इसकी सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले आता है और बाकी सारे कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल अगर मुझसे पूछो ओवरऑल क्या मैं सजेस्ट करूँगा, तो हाँ मैं इसे सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पर मुझे लगता है ये किलर है। सो ये मतलब क्लियर प्रोडक्ट है, 6,500 अगर 7,000 में मिलता है आपको तो क्लियर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, बैक कैमरा बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है जो कि अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये सब अच्छी बातें हैं और नेगेटिव बातें हैं, तो आप डिसाइड करो उसके बेस पे। और अभी मैं आपको कुछ फीचर्स और दिखा देता हूँ इसके, कि जो फीचर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, एप्लीकेशन कैसे वर्क करती हैं, तो लाइव डेमो भी दे देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो प्रोडक्ट के बारे में। सो हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ अपनी कार में। सो फाइनली मैं आपको अभी इस वीडियो में आपको 10 जो फीचर्स हैं, टॉप 10 फीचर्स हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के, वो मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगर आप इसको परचेज करते हैं तो कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने मोबाइल को इस म्यूज़िक सिस्टम से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इसे सिंपल है, ब्लूटूथ में जाओ और यहाँ पे आपको दिखने लगेगा आपके फ़ोन का और डिवाइस का दोनों का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप म्यूज़िक चला सकते हैं और जितने भी आपकी कॉल हिस्ट्री है वो देख सकते हैं, कॉल को रिसीव और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फीचर मैं आपको दिखाऊंगा FM रेडियो। सो बहुत लोग बोल रहे थे कि यार FM कैसा चलता है इसमें, FM का इंटरफेस कैसा है। तो FM वगैरह भी बहुत अच्छा चलता है, मैंने यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से और मैं मेनली FM ही सुनता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो ये देखिए, ये तो ये सब चीजें हैं FM। तो ये अपना FM है, FM भी अच्छे से काम करता है। और नेक्स्ट फीचर है वो मोबाइल स्क्रीन को कैसे आप मोबाइल को मिरर कर सकते हैं इसमें, तो वो भी बहुत इजीली है। यहाँ पे एक इनबिल्ड ऐप है फोन लिंक, आपको ये मोबाइल में भी डालनी पड़ेगी। और आप जो भी है एंड्रॉयड है आपका, तो एंड्रॉयड USB से करना चाहते हो तो USB से कर सकते हो, आईफोन के थ्रू करते हो तो अगर आप पे आईफोन है तो आईफोन के थ्रू कर सकते हो, और एंड्रॉयड वाईफाई है तो एंड्रॉयड के से कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, बस एक ये जो QR कोड है इसको स्कैन करना है, ये ऑटोमेटिकली वो ऐप इंस्टॉल कर देगा और आपकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगी। तो ये एक बेस्ट फीचर है। सो फाइनली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फीचर जो मेरी लास्ट इंस्टॉलेशन वीडियो थी उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो रिवर्स पार्किंग कैमरा के लिए आए थे। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छा कंपैटिबल है इस डिवाइस के साथ। तो जैसे ही मैंने रिवर्स गेट डाला तो वैसे ही देखिए आप स्क्रीन आ गई, और यहाँ पे इंडिकेशन भी देते हैं देखिए, तो आप इंडिकेशन भी देख रहे हो कितने अच्छे से ये इंडिकेशन दे रहा है, लाइक ग्रीन, येलो, रेड। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो कार है वो सेफली रिवर्स हो रही है कि नहीं। तो ये एक बहुत ही यूटिलिटी वाला फीचर है। सो अभी नेक्स्ट फीचर मैं आपको दिखाता हूँ कि YouTube कैसे वर्क करता है इस पे। तो ये रहा YouTube है और यहाँ पे मैंने ये YouTube ओपन कर लिया, YouTube ऐप। तो ये YouTube ऐप मेरी ओपन हो गई है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चला सकता हूँ ईजिली। अभी मैं अपने चैनल पे जाता हूँ और कोई वीडियो प्ले कराता हूँ। सो ये मैंने एक मेरी एक वीडियो है बीच की, मैं केरला गया था, तो अगर आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए एक आपको टैप करना है और यहाँ पे फुल स्क्रीन, और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी चेक करनी है तो सेटिंग्स में जाके क्वालिटी, अभी हायर पिक्चर आप सेलेक्ट कर लो तो फिर एक अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। देखिए
ये देखिए, आप स्टार्टिंग से देखिए इस वीडियो को, क्या क्वालिटी है। सो इस जो म्यूजिक सिस्टम है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो म्यूजिक सिस्टम है वो फुल HD स्क्रीन के साथ आता है, तो स्क्रीन इसकी हाईलाइट है यार। स्क्रीन तो एकदम कमाल स्क्रीन है, मतलब जो कलर आते हैं काफ़ी पंची आते हैं। सो इन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोगो चेंज होता है। तो लोगो के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना होगा, तो ये रहा सेटिंग्स अपना, और यहाँ पे मोर सेटिंग्स, और मोर सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा कार सेटिंग्स, और कार सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो फिर हमें एक्स्ट्रा सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सेटिंग, ये पासवर्ड सिक्योर है तो इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके, तो हमारी आ गई। एक है लोगो सेटिंग्स, सॉरी, तो यहीं पे हम लोगो सेटिंग कर सकते हैं। तो लोगो सेटिंग्स आपने देखा होगा कितने सारे आ गए, डस्टन का आ गया, महिंद्रा आ गया, और ये टाटा आ गया, सुजुकी, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट रखना है तो एंड्रॉयड, स्कोडा, ऑडी, महिंद्रा। सो ये सब लोगो हैं। तो अभी मैं हुंडई का लगा हुआ था आपको दिखाया, अभी मैं सुजुकी का सेट कर देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी सुजुकी है तो बस सेट लोगो कर दीजिए, सेट लोगो कंप्लीट। नोटिफिकेशन आ गया, और यहाँ से डायरेक्ट होम बटन दबाइए, और एक बार रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट कर दिया, ये देखिए। तो अभी पहले हुंडई का आ रहा था, अब सुजुकी का। अभी हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है थीम से रिलेटेड। सो मैं थीम्स पे गया, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो मेरी डाउनलोडेड हैं वहाँ पे गया। सो यहाँ पे ये देखिए 3-4 थीम दे रखी हैं। अभी मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, तो मैं ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको बस यूज़ करना है, और सो इट्स सक्सेस, और आप तैयार। यूज़फुल जो नेक्स्ट फीचर है वो सबसे यूज़फुल फीचर है, और मेरा जो मेन पर्पस था इस डिवाइस को ख़रीदने का, वो मेन पर्पस था मैप। क्योंकि जब अगर आप दूर जाते हो या मतलब सिटी में ड्राइव करते हो तो आपको मैप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप फ़ोन से मैप लगाते हो तो यार बड़े डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोई कॉल आ गई या कुछ हो गया, और बैटरी भी उसकी ड्रेन जल्दी होती है। तो इसलिए ये मेरे लिए मेन फीचर था। और तो अभी मैं मैप भी दिखा देता हूँ कि कैसा मैप चलता है इसमें। तो आप गूगल मैप में जाइए, और लोड हो गया। सो ये मेरा दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ जो भी है, मैंने डाला डीमार्ट जो मेरे घर के पास है। सो जो टच है वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, रेस्पॉन्स अच्छा है, बट नॉट एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कंपेयर करोगे तो उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ अच्छा है। ये देखिए स्टार्ट पे मैंने क्लिक करा, स्टार्ट हो गया है। सो अभी ये लोड जो होने की प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है, तो इसलिए वैसे लोड नहीं हो रहा। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, और ये स्टार्ट हो गया। तो ये एक अच्छा फीचर है, आप मैप को यूज़ कर सकते हो। पहले इसको होम पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा 1-2-3 सेकंड के लिए, और इधर ड्रैग कर दूँगा, और ये एक इधर साइड आ गया। अगर आपको दूसरी तरफ जो भी चाहिए, जैसे आपको गूगल चाहिए तो गूगल, मैप चाहिए तो मैप, तो आपको जो भी एप्लीकेशन चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं गूगल मैप सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी एक तरफ गूगल मैप हो गया, और एक तरफ मेरा म्यूज़िक हो गया। तो दोनों चीज़ें देखो आप कितने अच्छे से वर्क कर रही है, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। तो यार आपको जो ये 6,500 रुपये में या 7,000 रुपये में इतने अच्छे फीचर्स आपको दे रहा है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको 24 आवर्स में रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।